आप सबका TRLSS क्लासेस में स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग इंटीग्रेशंस के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले हैं नए मेथड्स के बारे में, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को समझेंगे कि इंटीग्रेशन के बाय पार्ट्स के मेथड से किस तरीके से हम लोग इंटीग्रेशन को करते हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स जो है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहाँ यूज होता है। तो दिस मेथड इज़ यूजफुल व्हेन वी हैव टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस। तो ये ध्यान रखना है, यदि हमको इंटीग्रेशन करना है और इंटीग्रेशन में मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस दिया हुआ, तो उस केस में इंटीग्रेशन में पार्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे हमारा ये है x इंटू साइन एक्स, जैसे एक एग्जाम्पल है, बाद में इसको डिटेल में समझेंगे। तो ये देख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट, ये वाला जो फंक्शन है ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। मतलब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, एक अलजेब्रिक एंड ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इस केस में यहाँ पर जो इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा फंक्शंस के बारे में समझा देते हैं। जैसे एक तो आई, मतलब आई से इन्वर्स फंक्शन होता है। इन्वर्स फंक्शन किसको कहते हैं, टेन इन्वर्स एक्स, कॉट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कॉसेक इन्वर्स एक्स, साइन इन्वर्स एक्स और कॉस इन्वर्स एक्स। तो छह इन्वर्स फंक्शन होते हैं। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है जब हम लोग इंटीग्रेशन में पार्ट्स का यूज़ करते हैं। तो इसलिए ये पता रहना चाहिए कि ये सबको इन्वर्स फंक्शन कहते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स जब रहे तो समझ जाना है कि उसको लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। लॉग एक्स रहे या लॉग एक्स का स्क्वायर रहे, मतलब ये सारे हमारे लॉगरिथमिक फंक्शंस हैं। अलजेब्रिक फंक्शन जैसे एक्स हो, एक्स स्क्वायर हो, एक्स प्लस टू हो, एक्स क्यूब हो, इस तरीके का एक्स प्लस थ्री हो, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, टेन एक्स, कॉट एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉसेक एक्स। तो ये छः ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारा ई टू द पावर एक्स को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए, आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है फंक्शन को। ये समझ में आ गया। तो जैसे दूसरा एग्जांपल, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन करना है। तो अभी समझ, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर हम लोग को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। उसी तरीके से ये वाला अलजेब्रिक फंक्शन है, ये इन्वर्स फंक्शन है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो गया, तो यहाँ भी हमारा इंटीग्रेशन में पार्ट्स यूज होगा। इसी तरीके से ये अलजेब्रिक है, ये लॉगरिथमिक है, तो इस केस में भी इंटीग्रेशन में पार्ट्स का यूज़ करेंगे। और यहाँ भी हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा, और यहाँ भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो फॉर्मूला है उसको समझते हैं। अगर यू और वी समझ लो कि दो डिफरेंट फंक्शन ऑफ एक्स हैं, तो उस केस में जो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, उसको आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। यू वी डी एक्स, यू इंटू वी डी एक्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, उसका इंटीग्रेशन करना है। तो फॉर्मूला हमारा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन। मतलब ऐसे कह सकते हैं, यू एज इट इज़ वी का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स, और फिर ये दोनों जो रिजल्ट आएंगे इस जगह में, उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यू वी डी एक्स। तो समझ में आ गया ये फार्मूला। अब यहाँ बात आता है कि किसको यू और किसको वी मानेंगे। तो हाउ टू डिसाइड यू एंड वी, ये समझना ज़रूरी है, यू एंड वी कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसमें हम लोग को यहाँ पर ये समझना है कि जैसे इन्वर्स फंक्शन, आई से इन्वर्स फंक्शन होता है, आइलेट रूल समझना है यहाँ पर हम लोग को। आइलेट रूल जो है उसके बेसिस पर हम लोग यू और वी जो है वो डिसाइड करेंगे। तो आई हमारा इन्वर्स फंक्शन हो गया, एल लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया, ए अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, और एक्स ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो ये समझ में आ गया, आई से इन्वर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। तो हम लोग टॉप से बॉटम में देखना है, और उसके बाद जो पहले आएगा उसको यू मानना है, और बाकी दूसरा जो फंक्शन है उसको ऑटोमेटिक वी मानेंगे। तो कैसे करेंगे ये समझते हैं एग्जांपल्स के द्वारा। जैसे पहला एग्जांपल है एक्स साइन एक्स का सपोज इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें यू किसको मानेंगे, किसको वी मानेंगे।
तो हम लोग समझ सकते हैं कि एक्स जो है वो अलजेब्रिक फंक्शन है, पहले डिस्कस कर लिए, और साइन एक्स जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर ये अलजेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो अलजेब्रिक पहले आता है या ट्रिग्नोमेट्रिक आता है? तो पहले अलजेब्रिक आ रहा है हमारा और बाद में ट्रिग्नोमेट्रिक आ रहा है, तो इसीलिए अलजेब्रिक वाले को यू मानेंगे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को भी मानेंगे। उसी तरीके से ई टू दी पावर एक्स इंटू एक्स डी एक्स है, तो ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ये दो फंक्शन है, तो हम लोग देखना पड़ेगा कि आइलेट रूल के अनुसार एक्सपोनेंशियल पहले आ रहा है कि अलजेब्रिक आ रहा है। तो देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट है, अलजेब्रिक पहले, तो पहले जो आएगा उसको यू मानेंगे, फिर भी इसको मानेंगे एक्सपोनेंशियल को। तो इसलिए यहाँ पर यू जो है एक्स और वी जो है वो ई की पावर एक्स को मानेंगे। समझ में आ गया, यू और वी आइडेंटिफाई करना समझ में आ गया। उसी तरीके से थर्ड को एग्जांपल जैसे टेन इनवर्स एक्स इंटू वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो इसमें भी यू जो है ये वाला इनवर्स फंक्शन है, ये पूरा अलजेब्रिक फंक्शन है। तो यू चूँकि आइलेट रूल में हमारा ऐसे टॉप टू बॉटम चलते हैं, तो देख सकते हैं इनवर्स वाला पहले आ रहा है और अलजेब्रिक वाला बाद में आ रहा है। तो इसमें दो फंक्शन है, तो ये इनवर्स है, ये अलजेब्रिक है, तो ये पहले आ रहा है इसलिए यू इसको मानेंगे, भी हम लोग वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर को मानेंगे। अब देख से क्वेश्चन नंबर वन को सॉल्व करते हैं। जैसे एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन है, ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, और इसका इंटीग्रेशन अब करना सीखेंगे किस तरीके से करेंगे। अब ये तो समझ में आया कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, तो यहाँ आइलेट रूल का यूज होगा, ये तो समझ में आ गया। तो इसमें एक्स जो है अलजेब्रिक है, कॉस एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल के अनुसार आइलेट इस तरीके से लिख दिए। अब ये एक्स जो है कॉस एक्स अलजेब्रिक वाले में आ गया, कॉस एक्स हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक वाले में आ गया, तो ये पहले आता है, टॉप से बॉटम में आते हैं, तो यू हम लोग एक्स को मानेंगे, भी कॉस एक्स को मानेंगे। अब ये फार्मूला हम लोग लिख दिए, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स बराबर यू एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स देन इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स फिर पूरे का इंटीग्रेशन। ये लिख दिया फार्मूला, यू वी डी एक्स बराबर यू एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ यू डी एक्स फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स और फिर ये दोनों का जो रिजल्ट आएगा उसका फिर से इंटीग्रेशन करेंगे। तो ये फार्मूला हम लोग लिख दिए। अब फार्मूले में बस पुट करना है, एक्स लिख दिए, जहाँ भी है वहाँ पर यू और वी के जगह में यू और वी का वैल्यू पुट कर दिए इस फार्मूले में। अब ये एक्स तो एज इट इज़ है, ये वाला हमारा इंटीग्रेशन है, तो इंटीग्रेशन का डायरेक्ट फार्मूला कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो ये साइन एक्स हो गया। डिफरेंशिएशन एक्स का वन होता है और फिर इंटीग्रेशन कॉस एक्स का साइन एक्स होता है, तो ये दोनों को एज इट इज़ लिख दिया और डी एक्स का डी एक्स रहने दिए। अब ये हमारा एक्स साइन एक्स का चूँकि इंटीग्रेशन हो चुका है, तो ये एज इट इज़ रह गया। अब ये वन इंटू साइन एक्स हो गया, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है। तो कुछ जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो याद रखने जो पहले बताया गया, तो इसके अनुसार बस ये माइनस कॉस एक्स लिख दिए, तो आंसर हमारा गया एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और लास्ट में सी जो हम लोग ऐड कर देंगे क्योंकि ये हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। अब ये एग्जांपल नंबर दूसरा हम लोग करते हैं, जैसे एक्स लॉग एक्स का इंटीग्रेशन करना, ये भी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है। ये अब ये देख सकते हैं कि इसमें लॉग एक्स जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, एक्स हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, तो आइलेट रूल के अनुसार एल मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉग एक्स यहाँ आ जाएगा और ए हमारा एक्स आ जाएगा। मतलब हम लोग टॉप से अगर चले तो पहले लॉगरिथमिक मिलेगा फिर बाद में अलजेब्रिक मिलेगा। मतलब इसके अनुसार यू जो है पहले वाले जो आता है उसको मानते हैं, तो यू लॉग एक्स हो गया, वी हमारा एक्स हो गया। तो अब इस फॉर्मूले को फिर से एक बार लिख दिए, यू वी डी एक्स बराबर यू एज इट इज़ वी का इंटीग्रेशन, और ये फार्मूला पुट कर दिया, जहाँ u और v है वहाँ पर u और v का वैल्यू को पुट कर दिए। अब हम लोगों को पता है x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, क्योंकि हम बताए थे x टू द पावर n dx x टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन प्लस सी होता है, तो पावर वन है तो x वन प्लस वन टू हो जाएगा और फिर टू हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हमारा ये आ गया एक्स स्क्वायर बाई टू, फिर माइनस हो गया, फिर पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन वन बाई एक्स हो गया, फिर दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन बाई एक्स होता है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, और एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू होता है। फिर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वन बाई एक्स एक्स स्क्वायर बाई टू, तो ये एक्स बाई टू आ जाएगा।
तो ये अंदर वाला सिंपलीफाई करके ये बन गया x बाई टू। तो इस तरीके से 1/2 कॉन्स्टेंट बाहर निकल गया और फिर x का इंटीग्रेशन फिर से x² / 2 हो गया। तो मतलब ये आंसर आ गया, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं x² / 2 log x - x² 4 + c। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोग को। दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया रहा है, x e^x dx और x sec² x dx का इंटीग्रेशन करना है यूजिंग इंटीग्रेशन में पार्ट्स। और कुछ कुछ फार्मूला जो यूज होंगे उसमें बता दे रहे हैं, e^x dx का e^x होता है, tan x dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन log mod of sec x + c होता है, sec² x dx का इंटीग्रेशन tan x + c होता है। तो ये ध्यान रखना है आप, जैसे ये x sec² x है तो इसमें x को ए अलजेब्रिक आएगा, sec² x ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, तो u हम लोग x को मानेंगे, v हमारा sec² x होगा। तो ये इसके डिटेल्ड कुछ सॉल्यूशंस हैं, तो आपको इसको देख सकते हो, पहले अपने से प्रैक्टिस करने के बाद ये डिटेल्ड सॉल्यूशन आप देख सकते हो। ये एक सॉल्यूशंस हो गया और दूसरे का ये सॉल्यूशंस हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशंस को मैच कर सकते हो और भी वीडियो लेक्चर्स आप लोग के लिए अपलोड करेंगे जिससे आप लोगों को मैथ्स लर्निंग में हेल्प मिल सके। और कोई डाउट्स हो तो आप सजेशन कर सकते हो, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।